अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शायद अकबर। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब और कैसे होते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग तो अप्लाई करते आ रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, आज इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने ओपन करने का, अप्लाई करने का एक और तरीका बताया है। तो सबसे पहले चलो आप लोगों का टाइम जाए कि बग़ैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं गूगल को ओपन करने लगा हूँ। आप लोग ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आप लोग अपना एडमिशन खुद कर लेंगे। गूगल में जाकर आपने क्या लिखना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो मैंने लिख दिया है। देखिए, आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखना है, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आप लोग मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं अप्लाई करते वक्त, तो वो आपसे बिना सब्जेक्ट पूछे रख देते हैं, टफ सब्जेक्ट रख देते हैं, बाद में आप लोगों के लिए मसले मसाल होते हैं। या तो वो आपसे कम से कम 250-300 तक ले लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अप्लाई करें खुद आप फ्री में। तो ये देखिए ऑनलाइन एडमिशन फार्म अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो देखिए मैं ऑनलाइन एडमिशन फार्म पे क्लिक करने लगा हूँ। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडमिशन कैसे भेजते हैं आप लोग। देखिए बेटे, ये तो इधर आप लोगों को नज़र आ रहा है एडमिशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट। जो उम्मीदवार सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जिनका फर्स्ट सेमिस्टर है, ओपन यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करनी है, उन लोगों ने इधर अप्लाई करना है। एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अप्लाई करने का तरीका क्या क्या है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जो स्टूडेंट इनरोलमेंट हैं, मेरे क्लास फेलोज़, मेरे दोस्त, मैं उनको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि वो सेकेंड और थर्ड सेमिस्टर में हैं तो नेक्स्ट सेमिस्टर में अप्लाई कैसे करें। जो फर्स्ट सेमिस्टर वाले हैं उन लोगों ने इधर क्रिएट अकाउंट करना है, तो सेल नंबर पासवर्ड पोर्ट करना है। ये मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो एडमिशन जा रहे हैं अपना, जो कैंडिडेट पहले से एनरोलमेंट है, आप लोगों ने इधर क्लिक करना है। देखिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ख़ुद अप्लाई करें, बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, हर किसी के पास अच्छा मोबाइल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्लाई सिर्फ 2 मिनट का काम है। 2 मिनट लगेंगे और आप लोगों के 250 रुपये वे बच जाएंगे, आने जाने की टेंशन भी आप लोगों को बच जाएगी। तो मेरी तो एक लोगों को एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं, जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो उस वक्त आप लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आलमोस्ट 24 घंटे के बाद आपका डेटा बैंक को ट्रांसफ़र हो जाता है, तब आप लोगों ने जाके बैंक में चालान भरना है। देखिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, जो आपका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फर्द करें। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए मेरा जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्ट क्या हुआ है, आप लोगों का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है उनवी पीडीएन सिफेड चार कुछ भी, देखिए मैं अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्ट करना है जस्ट, ना तो आप लोगों ने IOU पोर्ट करना, ना EDU पोर्ट करना, ना PK पोर्ट करना, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्ट करना है। जैसे मेरा है 20PDN02772704, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप लोग ये तो पोर्ट करते हैं, इधर बच्चे क्या करते हैं, अपना पासवर्ड क्या पोर्ट करते हैं, जो पिछले वाला पासवर्ड है, जैसे CB639CB2324, आजकल वो नहीं है। आपका जो नेम है, आप लोगों का जो अपना पर्सनल नेम है ओपन यूनिवर्सिटी वाला, जैसे फर्द करें आपका नाम हमीदा अली है या बुशरा बतूल है, जो कुछ भी आपका नाम है, जो आपका नेम है, नेम के जो दो हिस्से हैं, फ़र्ज़ करें आपका नाम है बुशरा बतूल, आपने बुशरा को छोड़ देना है, बतूल को देखना है। जैसे बतूल के आखिरी दो स्पेलिंग लिखने हैं, बतूल के क्या लिखने हैं, आखिरी दो अल्फाबेटिकल। अब देखिए ये है बतूल, BA BOOL बतूल है, ठीक हो गया।
अब हमने बतौर पूरा नहीं लिखना, इसके आखिरी अल्फा दो अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट क्या मुराद है, जैसे ए बी सी, अब इसके आखिरी अल्फ़ाबेट क्या है, ओ एल, इनको भी याद रखे, कैपिटल रखना है। इसके बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आखिरी चार इनसे पुट कर देने हैं, जैसे ओ एल पुट हो गया, इसके आखिरी इनसे चार काउंट से है 2704, इधर पोर्ट क्या करना है 2740, जो कुछ भी मतलब आया आखिरी चार इनसे, रजिस्ट्रेशन नंबर के जो आखिरी चार अल्फ़ाबेट्स हैं यानी 2704 है, आप लोगों ने पोर्ट कर देना है। जैसे ये देखिए मेरा नाम शायद अकबर है, तो देखिए मैंने शायद को निगलेक्ट कर दिया है, जो अकबर है उसके जो आखिरी स्पेलिंग है वो क्या है, ए आर, मैं ए पोर्ट करता हूँ और आर आर पोर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ए आर पोर्ट हो गया। अब मैंने क्या पोर्ट करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप लोगों का उसके आखिरी चार इनसे पोर्ट करने हैं, जैसे आप इसके आखिरी चार इनसे क्या हैं 2704, मैं पोर्ट करने लगा हूँ 2704, अब ये पोर्ट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, साइन इन कर देना है, ये साइन ऑन होने लगा है, थोड़ा नेट स्लो है लेकिन ये साइन इन हो रहा है। अब देखिए आप लोगों का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है, इधर आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने चेंज पासवर्ड करना है, कोड रजिस्ट्रेशन करना है, स्टूडेंट रिसीव रिक्वेस्ट करनी है, आप लोगों ने जो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कोर्स रजिस्ट्रेशन, आपने इधर क्लिक कर देना है। जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर अप्लाई करने का मेथड बता रहा हूँ, आप लोग देखिए ये अब पोर्टल हो ओपन हो रहा है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप देखिए आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। देखिए ये आइटम 20 की सा रहा है, मतलब ये मैंने कल परसों अप्लाई किया है, देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नेम वगैरह सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अप्लाई करने का तरीका कार यही है, आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं घर से, पासवर्ड चेंज करना है तो इधर से करें, एनरोलमेंट करना है तो इधर से करें। देखिए ये आप लोगों को नज़र आ रहा है व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट। अब देखिए फ़र्ज़ करें मैंने जिन सब्जेक्ट में या जिन कोर्स कोड में अप्लाई किया हुआ है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो कोर्स कोड शो हो जाएंगे कि मेरे कोड कौन से हैं। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी तरह से देखनी है, ये ये देखिए अब ओपन हो रही हैं, थोड़ा मोबाइल मेरा छोटा है और नेट भी स्लो है, खैर मैं आप लोगों को फिर भी शो कर देता हूँ। देखिए मेरे कोड ओपन हो गए हैं। आप लोग अगर थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपकी टीचर एजुकेशन है तो आप लोगों के सब्जेक्ट यही होंगे, ये देखिए छह सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं 8608 8609 10 12 13 14, यही सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सब लोगों के, चाहे आप लोगों की पहले साइंस है, आर्ट्स है, टीचर एजुकेशन है, जो भी है। ये देखिए मेरा अप्लाई हो गया है, मैंने अप्लाई पहले से किया हुआ लेकिन आप लोग अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद आपने प्रिंट इनवॉइस करना है, जैसे आप इस पे इधर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के पास चलान फार्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे चलान फार्म आपके पास डाउनलोड होता है आप इसको बाजार जाके प्रिंट कर लें, प्रिंट करने के बाद आप लोग बैंक में फ़ीस सबमिट कर देंगे, बैंक में फ़ीस सबमिट करने के बाद एक चलान बैंक रखेगी, एक रसीद आपको वापस कर देगी जो आप लोगों ने अपने पास सेव रखनी है, ठीक हो गया। ये था अप्लाई करने का तरीका, अगर आपको कोई भी मसला है कुछ भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई अप्लाई करने के तरीक़ेकार में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह एक मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।